मुझे इस यंत्र में एक बंधु मिले थे और वो आए इसके अंदर और बंद हो गए। इसको भारत में बहुत घरों में देखा जा सकता है। इसको मैं किनारे रख देता हूँ और इसको मैं रखता हूँ अपने फ्रंट टायर के पास। आप लेफ्ट राइट किसी भी तरफ रख सकते हो। मेरा जो पैडिंग जो आपको मैंने दिखाई थी वो लेफ्ट साइड से काट करके घुसा था, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में रखा है। आप राइट साइड में भी रख सकते हो, सेंटर में भी रख सकते हो। चलते हैं जहां पर इनको लगाना है। कुछ लोगों कस्टमर्स के मैंने ये सुने कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं कि भैया इसको लगाओगे तो चूहा दूर रहेगा या नहीं आएगा गाड़ी में, चूहे उस डब्बे को ही लेके 9-11 हो लेते हैं, तब आप क्या करोगे? हाय गाइस, अर्षित, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो एक जो चीज है जो इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है कार लेने के बाद से, वो एक ऐसी चीज है जो अनवांटेड ही बोलेंगे क्योंकि उसको कोई नहीं चाहेगा कि वो आपकी गाड़ी में आए, तो वो चीज होती है चूहे और बाकी सारी चीजें, जैसे चूहे हो गई या और भी कई रोडेंट्स की जो कैटेगरी में जितने भी जानवर आते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी गाड़ी में आकर के आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका 5,000 से लेकर 50,000, 60,000 या 1,00,000 तक या उसके ऊपर कितना नुकसान वो आपकी गाड़ी का कर सकते हैं। अगर इंजन के किसी मेजर पार्ट को उन्होंने काट दिया तो वो रिप्लेस होगा, वायरिंग को काट दिया तो वायरिंग हार्नेस चेंज होती है। तो इन सब चीजों से इन चीजों को मैंने फेस किया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि देखिए एक्चुअली ये जो DIY है या जो वीडियो है, ये मैं चाहता तो बहुत पहले बना देता, लेकिन मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीजें दिखाऊं या वो चीजें आप लोगों से शेयर करूं जिनको पर्सनली मैंने यूज किया हो कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मैं उसको मेरा क्या फीडबैक रहता है कि अगर एज अ ओनर या एज अ कंज्यूमर अगर मैं आप वीडियो देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, उसको आप यूज करें कि ना करें ये तब तक मैं नहीं बताता हूँ जब तक मैं उससे खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। तो ये एक छोटा सा DIY है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में 100 रुपए से लेकर के 500, 800, 1,000 रुपए तक। तो उसमें वो बेसिकली करते क्या है, कोई ऐसा एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसमें ऐसी स्मेल है जिससे रोडेंट्स दूर रहते हैं। तो इसमें से दो चीजें ऐसी हैं जो आपके घरों में आपको इजीली मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको दुकानों पर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, लेकिन एक चीज इसमें से ऐसी है DIY में जो आपके पास आमतन हर घरों में होती है। तो ये चीज मुझसे एक मैकेनिक ने बोला कि भैया देखिए मैं बेचने को तो आपसे बेच सकता हूँ आपको 500-1,000 रुपए की चीज बोल करके, लेकिन केसेस कुछ लोगों कस्टमर्स के मैंने ये सुने कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं कि भैया इसको लगाओगे तो चूहा दूर रहेगा या नहीं आएगा गाड़ी में, चूहे उस डब्बे को ही लेके 9-11 हो लेते हैं, तब आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का वो डब्बा खरीदा, उसको आपने अपनी गाड़ी में लगाया और वो चूहा डब्बा ही लेकर के चला जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो मैंने एक DIY किया था और अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने हो रहे हैं। 2 से 3 महीने के बाद आज उसको मैं रिफिल करने जा रहा था, बोल सकते हैं रिप्लेस करने जा रहा था, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगा कि क्या वो चीज है और उसको कैसे प्रिपेयर करके कहां पर पोटलियां लगानी है, और मैंने आपको एक स्नैप दिखा देता हूं आपको कि मैंने कहां कहां पर लगा रखी है। दो जो आप ये देख रहे हो इस समय बोनट में लगी हुई है, एक मैंने गाड़ी के ग्लव बॉक्स में डाल रखी है और एक मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं बूट में। बूट में मैंने एक बाहर की तरफ लगा रखी है और एक मैंने जो स्पेयर टायर आता है उस पर मैंने टेप से चिपका रखी है उस पर्टिकुलर पोटली को। तो टोटल गाड़ी में आप 4, 5, 6 पोटलियां जितनी चाहे आप रख सकते हैं। क्वांटिटी क्या यूज होगी और क्या क्या आपको चीजें उसको यूज करके वो पोटलियां बनानी है, तो आप चलते हैं मेजर DIY प्रोसीजर की तरफ कि उसमें आपको क्या करना है, और वो मैं स्पॉट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार चलने से पहले। तो वो एरिया दिखा देता हूँ जहां से चूहा आया था और जिसको टाटा मोटर्स जाकर के मैंने सील कराया था। जो मैं यूज करूंगा जिसमें ये है टोबैको जो आपको किसी भी पान की दुकान से या जनरल स्टोर पे मिल जाएगी। इसमें भी वो बता रहा था 2 वैरायटी आती हैं, एक बनी बनाई आती है और एक जो ये होती है जिसमें जो जनरली हम लोगों ने देखी है वो वाली, तो हमें यही वाली चाहिए। तो इसको भी किनारे रखते हैं। ये जो चीज है वो जो आपके घरों में नॉर्मली आपको मिल जाएगी, इसको बोलते हैं नैप्थिलीन बॉल्स। आपके एरिया में हो सकता है कुछ लोग इसको समझे फिनाइल की गोलियां, तो ये 2 नाम से मार्केट में आती है, आपके एरिया में कुछ और बोल सकते होंगे, लेकिन इसके बेसिकली 2 नाम होते हैं, फिनाइल की गोली और नैप्थिलीन बॉल्स। तो इसमें करना क्या था, मैंने पिछली बार किया क्या था, मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसको अभी किनारे रखते हैं। ये जो वो पोटलियाँ हैं जो मैंने आपको गाड़ी में दिखाई थी कि आगे इंजन में दो बंधे हुए थे, ये बैटरी के पास था, ये हमारे वॉशर फ्लूइड के पास था,
ये हमारा पीछे डिग्गी में था और ये मैंने ग्लव बॉक्स में डाल रखा था। अब मैं इनमें से एक को खोल करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर पिछली बार मैंने डाला क्या था। इनको भी हम साइड कर देते हैं। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो, ये है टोबैको, ये आप देख सकते हो, ये है टोबैको और ये बची है बॉल। मतलब आप साइज देख रहे हो, इतनी बड़ी बॉल आती है जब हम डालते हैं उसको, और इसका साइज अब ये रह गया है। तो ये उड़ती रहती है और यही स्मेल देती है जो चूहों को या बाकी जो कुछ होती है उनको नहीं पसंद होती है। तो इसको मैं अभी साइड रखता हूँ, ऐसे भी सारी चारों खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पुरानी पोटलियाँ हैं इसमें से जो टोबैको है उसको एकदम हम निकाल करके अलग कर देंगे और इसको अलग रखते हैं। इसको हम निकाल, आपको ये देखना है कि ये जो कपड़ा हो जो आप यूज़ करोगे, ये मैंने ये कपड़ा इसीलिए लिया क्योंकि काफ़ी पतला है और इससे आप मतलब बिल्कुल ईजिली आर पार देख सकते हो। तो जो महक है, महक परमानेंट जो है वो निकलती रहेगी इसमें से। और इसको अगर आप चाहोगे तो ये 2-3 महीने पे आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 2 महीने में मतलब कोई खर्चा ही नहीं है, 10 रुपये का, 10-5 रुपये का इसका प्राइस मैंने आपको बताना भूल गया, 5-6 रुपये की आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी ये। और ये जो है ये आपको 30 रुपये का पैकेट आता है जो आप 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें टैबलेट ज़्यादा होती हैं, बोल सकते हैं बॉल्स जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। तो पूरे गाड़ी में आपको 4-5 पोटली डालनी है, मतलब आप इसको कुछ नहीं तो कम से कम 3 बार यूज़ कर सकते हो। तो आपका एक टाइम पे अगर देखें तो मुश्किल से 20 रुपये का खर्चा है। तो ये जो हमारा आखिरी पोटली है इसको अलग करते हैं, इसमें से जो फिनाइल बॉल है इसको निकाल करके हम अलग रख लेंगे, इसको डाल देंगे उसी में दोबारा। तो ये जो हमने 2 पैकेट अनबॉक्स करे थे इसको थोड़ा फिर प्रोफेशनल वे में गिराते हैं। तो ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट है जितना अमाउंट में अभी पुराना फेंक करके आया हूँ। और ये जो है ये बिल्कुल अभी हल्का सा मॉइस्ट है, इसको मॉइस्ट ही रहने दें। और इसका आप जितने भी आपको पार्टीशन बनाने हैं आप अपने हिसाब से पार्टीशन कर लें। और मेरा कहना ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो जो आपके इंजन बे के पास जानी है वहाँ का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसकी स्मेल जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो आनी चाहिए। रोडेंट्स और ये जितने भी होते हैं बेसिकली करते क्या हैं या जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो वो करते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल का कोई भी एजेंट बनाते हैं जिसमें से फॉल्स स्मेल आती है उससे ये जो चीज़ें होती हैं वो आपकी गाड़ियों से दूर रहेंगी। तो ये जो 2 पोर्शन हैं ये जो मेरे इंजन बे में जाने हैं उनको मैंने बड़े साइज़ का बनाया है और जो बाकी हैं उनको मैं छोटा करूँगा। एक ये जाएगा हमारा ग्लव बॉक्स में, तो ग्लव बॉक्स में छोटा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अंदर जो है वो टोबैको की स्मेल थोड़ी देर आती है, जब आप गाड़ी बहुत दिन के बाद खोलोगे तो आपको अंदर एक स्मेल आएगी, उसको आप कुछ नहीं करोगे। जैसे आप गाड़ी चलाते जाओगे, जैसे आप अपनी खिड़की खोलोगे थोड़ी देर के लिए, वो सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। और ये प्रपोर्शन में थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये पीछे जाना है डिग्गी में, तो इस प्रपोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा लिया, ग्लव बॉक्स वाला सेक्शन में थोड़ा कम ही रख रहा हूँ। अब इसमें हमें करना क्या है, इंजन बे का जितना एरिया है इंजन बे के लिए हम एक एक बॉल डालेंगे। और गाड़ी के अंदर अगर आपको इसकी स्मेल से एलर्जी है तो गाड़ी के अंदर आप अगर आप चाहो तो उसको आधा तोड़ सकते हो, आधा इसमें डाल लो आधा इसमें डाल लो, लेकिन मैं एक एक डालूंगा क्योंकि मुझे इसकी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एलर्जिक हो तो आप इसको आधा कर सकते हो, आधा तोड़ के डाल सकते हो, लेकिन जो बाहर पड़ने हैं उनको आप पूरा एक एक ही करके डालो। अब वापस हम अपने पुराने कपड़ों को लेंगे जिसमें हमने डाला था और उस पूरे प्रपोर्शन को ट्रांसफ़र करेंगे। ये अब तक की बेस्ट रेमेडी है जो मुझे मिली है पर्सनली, और इस ये सही में काम करती है। और 3-4 महीने बाद मैं इसको रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ और 3-4 महीने से मेरी गाड़ी के अंदर एक भी चूहा और कुछ नहीं दिखा है मुझे। अब इसको आपको ऐसे मोड़ के, तो ये एक बन चुकी है, अब बाकी की 4 बना लेता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो एक मैं रख देता हूँ जहाँ पर ये पुरानी पोटली पड़ी हुई थी, तो ये छोटे वाला जो है इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर और ये को हल्का सा दबा देंगे। इसको मैंने गीला कर लिया है पानी डाल करके जिससे टोबैको की जो स्मेल है वो एक्टिवेट हो जाए। और इसको मैंने यहाँ रखा, इसे करेंगे हम बंद। अब चलते हैं आगे ग्लव बॉक्स की तरफ। एक जो आएगा वो ग्लव बॉक्स के अंदर आएगा, इसको खोल करके मैं एक छोटी वाली जो पोटली होगी उसको मैं ग्लव बॉक्स में डाल दूंगा। अब चलते हैं इंजन बे की तरफ और इंजन बे में जो बाकी 2 हैं इनको हैंग कर देते हैं।
तो इसमें एक जो ये बैटरी के पास बंधी थी उसको मैं वापस वहीं पर बांधूंगा। और दूसरा जो है जहाँ पे मैंने वॉशर के पास पहले बांधा था उसको वहीं पर डाल दूंगा। और उसको फिर हम नीचे वापस की तरफ कर देंगे। तो अभी जब ये बंद करूंगा तो जो इसमें स्मेल है इसकी वो पूरी तरीके से फैल जाएगी और नीचे की तरफ आप जो ये देख रहे हो यहाँ से ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर खुला हुआ, मैं एक बार फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, वो पूरा रीजन जो है वहाँ पर आप फर्श देख सकते हो और उधर भी आप देख रहे हो वहाँ पर पूरी फर्श आपको क्लियर दिख रही है। तो वहीं से चूहे जो होते हैं वो बेसिकली एंटर करते हैं। और इसको बंद करने के बाद जब मैं जैसे ही मैं बोनट बंद करूंगा तो इसके अंदर जो स्मेल है वो फैलेगी और वहीं से वो नीचे की तरफ जाएगी और पूरी गाड़ी के जो नीचे बे की तरफ होती है वो फैलती रहेगी पूरी स्मेल, कि जो इसमें कोई ऐसी चीज रखी है जिसकी तरफ मुझे नहीं जाना है या वो चीज़ खाने की नहीं है। ये बेसिकली खाने पीने की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपकी कार में आपने कोई स्नैक डाल दिया, बिस्किट डाल दिया, नमकीन डाल दी, ऐसी कोई चीज़ डाल दी तो ही आते हैं, इन सारी महक के पीछे वो आएंगे ही नहीं। इसको यहाँ से बंद करते हैं और वैसे ही मैंने अंदर जहाँ पर डाले हैं ये सारी चीज़ें वो अंदर इस चीज़ की स्मेल आती रहेगी। तो वो बेसिकली ये जो गाड़ी है या ये जितना एरिया जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी होती है वो उनके लिए एक ऐसा जोन हो गया है जहाँ पर उन्हें नहीं जाना है, वहाँ से उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ और फिर मैं आपसे गाड़ी के अंदर बात करता हूँ। तो पिछली मेंटेनेंस वाली वीडियो पे आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अभी जो दो तीन दिनों से एक जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोज के लिए वो मतलब अमेजिंग है और बहुत जल्द हम 10,000 सब्सक्राइबर छूने वाले हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्द ये चाहें तो आप डिजिट पूरी कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा लेकिन बदले में आप अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। काफ़ी लोगों का ये चीज़ें डाउट रहती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलता है हर किसी को, देखो तो बस वो एक प्रोडक्ट आप लोगों को चेप करके उसके जो बदले में आप कमीशन बोल सकते हैं वो कमाना चाहता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। ये आप जो आप नॉर्मल टोबैको खरीदोगे उससे भी जो पैसा या कमीशन है मुझे नहीं आना है, आपके घर में जो नैप्थलीन बॉल्स होंगी उससे भी कोई कमीशन मुझे नहीं आना है। तो ये आपकी बेनिफिट के लिए और मैंने पर्सनली यूज़ किया तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में ये काफ़ी चीज़ों को दिक्कत आ रही, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही कि भैया मेरी गाड़ी की वायरिंग चली गई। अभी मैं जब अपनी गाड़ी का सैनिटाइजेशन कराने गया था तो मुझसे चार लोग मिले, उन्होंने बोला कि यार मैंने 8,000-9,000 रुपए के एलिगेंट के सीट कवर डलवा रखे थे नापा लेदर के और उसको उन्होंने काट करके चूहों ने एकदम बर्बाद कर दिया। तो सीट कवर तक चूहे काट सकते हैं, तो मतलब समझ रहे हैं आप वायरिंग क्या चीज़ होती है। वो नीचे बोनेट का जो बे होता है वो पूरा ओपन होता है तो उसमें अंदर जा करके काटना कितना इजी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, काफ़ी लोगों का ये चीज़ें डाउट रहती हैं।